आपका क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 365। तो आपका फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने सपोज x ले लिया, तो सेकंड कंसेक्यूटिव यानी सेकंड क्या होगा कंसेक्यूटिव, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद हमारा आएगा x प्लस वन। ठीक है, अब इसने कहा कि सम ऑफ हू स्क्वायर्स इज 365, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर। x का कितना होगा? x स्क्वायर। और x प्लस वन का स्क्वायर कितना होगा? तो हमारा क्या होगा? x प्लस वन का स्क्वायर, ये होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। ठीक है, फिर इसने कहा सम, ये दोनों का सम कितना है? 365। तो हम इसका सम करेंगे, तो हमारा क्या आएगा? पहला है x स्क्वायर, फिर सम है, सेकंड नंबर सेकंड क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 365। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस 365 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 2x square प्लस x स्क्वायर इज 2x square प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें देखोगे कॉमन क्या है, कॉमन इज 2, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 8 एंड 2 इज इक्वल टू 0। अब एसी, व्हाट इज एसी, एसी इज 182। तो 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 91, है ना। फिर 91 का जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया है, हमारा क्या था 7 एंड 13। ठीक है, अब हमारा कितना आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 14 माइनस 1 इज 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, हमारा इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारा कॉमन इज x, तो x प्लस 14। ठीक है, माइनस 13 इज कॉमन इन बोथ। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला हम लेंगे x प्लस 14 और ब्रैकेट के बाहर है x माइनस 13, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू 13। ठीक है, हमारे ये दो नंबर्स होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो अगर x हमारा माइनस 14 आया तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हमारा नेक्स्ट नंबर होगा इसका x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 13। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, अगर x हमारा 13 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 13 प्लस 1, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 14। ठीक है, तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, माइनस 13 माइनस 14 13 एंड 14। ठीक है।
तो हमारे क्या क्या आ गया, हमारे दो इंटीजर्स आए -14 और -13, है ना, और दूसरा आया 13 और 14, दो नंबर आ गए। लेकिन क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो हमारा ये है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे दो नंबर्स, फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट नंबर इज 13 एंड कंसेक्यूटिव सेकेंड नंबर इज 14। ठीक है, आपका क्वेश्चन है द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा ए, ये बी, ये सी। इसने कहा कि अल्टीट्यूड मींस हाइट, ये वाला, ठीक है, ये हमारा अल्टीट्यूड है, ये हमारा बेस है, बी सी इज द बेस। ठीक है, तो अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सपोज हमने इसको एक्स लिया, तो अल्टीट्यूड हमारा कितना हो गया, x माइनस 7, 7 लेस देन इट्स बेस मींस हमारा ये हो गया x माइनस 7। ठीक है, ये अगर आपने x लिया तो ये x माइनस 7 हो गया। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स, तो अब इसके अंदर हमारा क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर मींस एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट मींस एक्स स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना है हमारा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 13 स्क्वायर कितना होता है हमारा, 13 स्क्वायर इज 169। ठीक है, तो 169 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर को, तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 2x स्क्वायर इधर और इधर है माइनस 14x प्लस 49 और इसको इस साइड में लेकर आओगे तो हो जाएगा माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169 इज माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखोगे तो हमारा क्या है, 2 इज कॉमन, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, x square माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 60 के हम a एंड c इज 60, तो 60 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे 60 के। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 और 30, 2 और 15, 3 और 5। अब इसमें को हमको क्या करना है, हमको 7 आना चाहिए, वी शुड गेट 7, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 माइनस 4 कितना हो गया, 15 - 4 = 11, मतलब ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या है हमारा, 6 और 10,
सिक्स एंड टेन कितना हो गया, सिक्सटीन या फोर, सिक्सटीन या फोर। अब हम देखते हैं और किस में जाएगा ये, हमको सेवन आना चाहिए, करेक्ट सेवन। सेवन आने के लिए हमको क्या करना है, थ्री इंटू टू इज सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फाइव इज सेवन, यानी कि ये हो गया हमारा ट्वेल्व माइनस सेवन, फाइव इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया हमारा, x इज कॉमन, तो हमारा हो जाएगा x माइनस ट्वेल्व। अब यहाँ पर फाइव इज कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। फिर हमारा x माइनस ट्वेल्व ब्रैकेट के अंदर वाला और x प्लस फाइव ब्रैकेट के बाहर वाला इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, दूसरा आएगा x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है, अब माइनस फाइव में हमारा लेंथ नहीं हो सकता किसी का भी, अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव वाले को हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो हमारा x इज ट्वेल्व, दैट मीन्स बेस इज ट्वेल्व, क्या है हमारा बेस इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आपका अल्टीट्यूड बोला है उसने, तो अल्टीट्यूड क्या होगा हमारा, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस सेवन इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, तो इसने क्या कहा कि let the number of articles produced on that day is equal to x. तो इसका cost कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इसने क्या बताया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इसने क्या बताया, इसने बताया थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ, मीन्स टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया आर्टिकल्स का, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट, तो हमारा हो गया x इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना दे दिया उसने, 90 रुपीस। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू 90 को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो। टू इंटू 90 इज 180 एसी, तो हमारा हो गया 180। अब 180 के हम निकालेंगे फैक्टर्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू एंड 90, टू एंड 45, फाइव एंड 9, थ्री एंड 3। अब इस फैक्टर्स को प्लस माइनस करके हमको लेकर आना है थ्री,
तो 3 कैसे आएगा, तो हमारा 3 कैसे आएगा करके देखते हैं हम। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, है ना, और 9 एंड 2 18, 18 माइनस 10 इज 8, हमको आना चाहिए ओनली 3। तो 3 कैसे आ सकता है हमारा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, एंड ये 10 हो गया, नहीं होगा हमारा। 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इज 12, एंड 5 एंड 3 इज 15, अब आ जाएगा हमारा 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इज कितना हो गया हमारा 12, एंड यहाँ पर क्या है हमारा 3, 5 इंटू 3 इज 15, ठीक है। तो 15 माइनस 12 इज 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, अब हम स्प्लिट करेंगे इसको, तो हमारा स्प्लिट करने से आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है हमारा, x इज कॉमन, तो क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 15, यहाँ पर हमारा माइनस है, ठीक है, और कॉमन क्या है हमारा इसके अंदर, दोनों के अंदर 6 इज कॉमन, तो 6 लिख लेते हैं हम, तो हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो अंदर वाला हमारा है 2x प्लस 15 और बाहर वाला है हमारा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, अलग अलग करते हैं तो हमारा आएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, दूसरा आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 2, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा x इज इक्वल टू 6। अब x हमने क्या ले रखा था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे माइनस में नहीं हो सकते, तो जब माइनस में नहीं हो सकते तो हम इसको माइनस वाले को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए, 6 आर्टिकल्स, ठीक है, 6 आर्टिकल्स हो गए। तो इसने क्या कहा, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हमारे निकल गए 6, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारा क्या है 2x प्लस 3, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारा क्या है 2x प्लस 3, x का वैल्यू डालेंगे 6 के साथ तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 2 इंटू 6 इज 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 रुपीज ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है।